भाई मैं तुम्हें लग रहा बैठने में फायदे हां है बैठने में फायदा है ये अब हम नदी पार करेंगे भाई बैठने को पता नहीं फोन पकड़ ले दो यार कर दी भाई नदी पार कर ली ओ तेरी जी चिराग भाई अब ऑन द रोक मां ऑन द देख भाई अरे गियर मन ना दिए भाई टाइट पकड़ लियो अरे वीडियो बन रहा तुम्हारा चलो अरे ढंग से पकड़ कर दो हमको हमको क्या देख रहा है वो थर वाला सामने से आ रहा है ना ना वो पर हां चलो भाई चलो अरे उसका ध्यान रखियो जो आगे थार खड़ी है कहीं उस पर ठोक दो वाह भाई वाह ए भाई वो वाले ड्यून्स हैं जहाँ उस दिन हमने नहीं चढ़ाई थी वो जो दूर से ऐसा लग रहा था हमारे को कि हम इस पे जब सीआरसीजे के साथ आए थे कि यहाँ चढ़ाएंगे लेकिन उस दिन हम उधर दूसरी तरफ गए थे तो नेक्स्ट लेवल नहीं भाई नहीं आएगी नहीं नहीं आएगी नहीं आएगी क्या क्लच की स्मेल आ रही है ना डर उसका है इसुजु भाई नंबर वन गाड़ी है प्यार से जाएगी ये गुरखा बहुत देर से पुछ रही है एक घंटे से ज्यादा हो गया वो देखो पीछे से मैनुअल उस साइड से तीन चार जगह लगा देंगे ना ऐसे साथ तो मैनुअल ही है नहीं दो चार आदमी पावर लगाएंगे ये भाई हम ड्यून्स पे से उतार रहे हैं चिराग भाई हमारे हैवी ड्राइवर हैं खैर तो आपने हमारे हर व्लॉग में देखा होगा कि सबसे हैवी ड्राइवर यही है गाड़ी वैसे ढीली पड़ जाए चिराग भाई ढीला नहीं पड़ता अरे भाई ये उतार दी है नीचे हमने और अब हम जा रहे हैं थार के पास क्योंकि हमारी एक थार चिराग भाई वाली तो बंद पड़ गई दूसरी में चेक इंजन की लाइट आ गई आधी थारे यहाँ पे बोनट ऊपर करके खड़ी है भाई ये गुरखा नहीं निकल रही भाई अब आई है रूबीकॉन अब वो पता नहीं क्या ही करेगा जो जो आया हुआ है रूबीकॉन लेके ट्रैक्टर से तो लिकड़ नहीं पा रही भाई एक पहिया बिल्कुल धस गया इसका और ये देखो उसी जोड़ में तो भैंस नहा रही हैं और उसी जोड़ में थार नहा रही हैं सब भाई अपने अपने प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं कोई मिल जाए जो पानी पिला दे बस राजेंद्र जी हमारे हैवी ड्राइवर स्पीति टूर के और ये भाई वो भैंसों का ध्यान रखिए रिवर क्रॉसिंग अगेन वंस अगेन ये देखो भाई ये तो चिराग भाई की थार एक बार फिर से ब्रेक डाउन हो गई है हमारे इस व्लॉग में भी और अभी हम फिल्टर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं एलएनकी का सेट हमारे पास है नहीं प्लास से कोशिश करके खोल दिए लेकिन फिर भी अभी तीन चार रह रहे हैं ये खोलने के बाद इसमें लग रहा है पानी गया ऐसा फिल्टर में पानी गया होगा शायद अभी खुल गया तो पता चल जाएगा नहीं खुला तो बारिश आ जाएगी नहीं पता चलेगा नहीं और ये सस्पेंस ही रह जाएगा चिराग भाई की गाड़ी में एक ने ड्रिफ्ट मारते हुए यहाँ ठोक दिए देखो गाड़ी का नंबर क्या था 21-22
ये भाई चिराग भाई की गाड़ी टोचन होके जा रही है, जिप्सी के पीछे बांध दिए, अभी बाहर तक एक बार ले जाते हैं। और सबसे मेजर चीज टोचन टोचन में हम नदी पार करेंगे भाई। है? ब्रेक नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये रिवर हमने क्रॉस करी है टोचन करके, ये चिराग भाई की थार को हमने जिप्सी से टोचन किया है और टोचन में नदी पार करी है। एक बार तो गाड़ी फंस गई थी और लेकिन फिर भी खींच दी और जिप्सी ने भाई कमाल कर दिया आज तो। और ये सब यहाँ पे फुल एंजॉयमेंट चल रहा है भाई। तो अब अपन यहाँ से निकल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि थार को दिखाना है भाई, आरएसए को बुलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ये भाई चिराग भाई की गाड़ी है, किसी की आ रही है क्या पहचान? एक वो बी क्रॉस को देखो, सेंटर में टिक गई है भाई वो बिल्कुल। और उधर विक्रम बन्ना की फॉर्च्यूनर फंस गई है, खैर फंसाने लाए थे वाले भाई ने क्रेन बुलाई है अल्टीमेटली निकालने के लिए। 15 मिनट की ऑफ रोडिंग के स्वाद के चक्कर में 2 घंटे हो गए उसको पछते हुए। खैर हम भी उसी कैटेगरी में, हमारे पीछे भी ये चिराग भाई की गाड़ी है, देखो। Go! Start! भाई 2 दिन पहले गाड़ी धुला के एकदम चमचमाती तैयार कराई थी और अभी देखो ऑफ रोडिंग का भाई ये स्वाद है। देखो ये मिट्टी देख रहे हो कहाँ कहाँ तक घुस गई, अंदर भी है। अंदर तो हाँ अंदर तो भाई मैं अपनी हालत दिखा देता हूँ, रुको ये देखो है ना, ये देखो ये तो भाई मिट्टी मिट्टी है, हमारे ऊपर भी गाड़ी के ऊपर भी। अभी देख रहे हैं भाई, इंतज़ार कर रहे हैं आरएसए का, चिराग भाई की गाड़ी लेने आरएसए आएगा, फिर देखते हैं आगे क्या डिसीजन रहेगा। ये भाई चिराग भाई की गाड़ी टोचन हो रही है, ये आ गया आरएसए से बंदा, मतलब बंदा तो आए बहुत, 2 घंटे हो गए कम से कम, बट ये भाई अब टोचन करके ले जाएगा चिराग भाई गाड़ी को। और हम वापस जा रहे हैं ड्यून्स के ऊपर, जो दिन भर की प्रोग्राम की अस्तसी हुई वो अब हम उसको इंजॉय करने जा रहे हैं। ये गाड़ी टोचन होने के लिए पूरी तरह से तैयार, मतलब गाड़ी तो भाई पहले से तैयार है, टोचन वाला आदमी तैयार है भाई, ठाके ले जाएगा ना कति। चिराग भाई स्वयं अपनी गाड़ी को टोचन करा रहे हैं खुद अपने कर कमलों से। ओके। अरे कति तू भी भाई धुआं ठा रहा है, ये काम तो हमारा है। जय भैया जी, लेकर जा रहे हैं चिराग भाई की गाड़ी को, जय सबूत के तौर पे हमने बना लिया है वीडियो और इसको डाल देंगे अब हम ब्लॉग पे। तो भैया ने अगर इसको रूबीकॉन नहीं बनाया रास्ते में तो फिर भैया की खैर नहीं है। सेकंड टाइम हाँ, दूसरी बार थार के साथ प्रॉब्लम। हाँ पहली तो स्पीति में आई थी। प्लीज आनंद महिंद्रा, प्लीज आनंद महिंद्रा कुछ ना कर सके भाई। तो भाई चिराग भाई की थार को टोचन कराने के बाद हम वापस निकल गए हैं, जो इन्जॉयमेंट हमने दिन में नहीं किया था उसको करने के लिए वापस हम निकल गए उसी ड्यून्स की तरफ। ये भाई वही ड्यून्स आ गए सीआरसी से भाई। अच्छा वो है सही कह रहा है, आगे नहीं जा पाएगी, सही कह रहा है। वो पानी काट रहा, वो देखो पानी चला रखा है ना। नहीं नहीं वो सही कह रहा है भाई, पिछली बार जब हम आए थे ना ये पानी नहीं चल रहा था, ये पानी चलाया भाई इन्होंने, ये पानी इन्होंने चलाया है जानबूझ के इस रोड को काटने के लिए, जो फॉर्मूला आपको पता है ना। ये देखो बैक ले लो रिवर्स, हाँ ये गई रिवर्स में। और भाई ये वो जो ट्रिपल ड्यून्स है ना जिसको अपन ने लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था, ये वही ट्रिपल ड्यून्स है, इस पर पानी चला के इसको, इस ट्रैक को ख़त्म किया जा रहा है। ये देखो
तो भाई लोकेश स्वामी भाई, आपको भी फॉर इंफॉर्मेशन ये बताने के लिए कि ये ट्रैक ख़त्म हो चुका है, आरजेसी वाले भाई लोगों के लिए भी ये ट्रैक ख़त्म हो चुका है। अब ये है भाई जिप्सी के स्वाद, देखो ये देखो ये, ओ भाई भाई क्या उड़ा दिया इसका। जय भाई साहब, अलीला बिशनगढ़ फोर्ट के मालिक हमारे को आज मिल गए यहाँ पे। भाई आप बता महाराजा, 20 साल पहले, 20 साल पहले इन्होंने ले ली थी महाराजा, कौन से महाराजा से? अरे खुद महाराजा विकास है। क्या, कौन से महाराजा से ली थी आप? महाराजा से नहीं ली, अच्छा आप खुद की थी? अच्छा इनकी खुद की थी, ये खुद महाराजा है, ये खुद हम लोग राव साहब को बेची हैं, राव राजेंद्र सिंह को बेची थी। राव कौन? जो साहब रहेगा राव साहब ना, राव साहब तो हम ही है भाई। हाँ हाँ यो गुज्जर है, यो गुज्जर है, इस हाँ इसने जमीन राव साहब को बेची थी। क्या? ना 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 भाई, तेरी तो नहीं थी? नहीं ना, इसके नहीं थे भाई। ये हमारी खड़ी है जिप्सी, आप एंगल देख रहे हो, और ये हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब और उनकी थार। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, और मेरे ख्याल से व्लॉग को एंड करने का टाइम भी हो गया है, तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तो भाई मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ तक तो व्लॉग में आपने देखा कल की OTR के लिए, वहाँ पर भी बहुत सारी गाड़ियाँ भिड़ी, आपस में टकराई भी, कुछ गाड़ियाँ फंसी भी, काफ़ी कुछ गाड़ियों में डैमेज भी हुआ, बट वो तो एक OTR थी, वहाँ ये सब होता है, लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। बस OTR ख़त्म होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ गलतियाँ करी कल मैंने, और वो गलतियों का रियलाइजेशन मुझे है, और उसमें से अगर एक भी गलती मैं नहीं करता, कोई भी एक गलती मिस हो जाती, तो वो सब चीज़ नहीं होती जो कल हुई। कल मेरे से एक गाड़ी, डॉक्टर साहब की जो थार थी उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी दोनों तरफ से डैमेज हो गई, लेकिन वो अवॉइड की जा सकती थी। सबसे पहली मेरी गलती कि मैं सुबह जब नहीं उठ पाया था, क्योंकि सैटरडे मैं लेट सोया था, तो मैं संडे सुबह नहीं उठ पाया और मैं OTR में नहीं जा रहा था, लेकिन चिराग भाई का फ़ोन आया तो फिर मैं वहाँ पे चला गया उनके फ़ोन पे। वहाँ पहुँचने का टाइमिंग 8 बजे का था, लेकिन मैं घर से ही 8:30 बजे निकला और मैं 9:30 बजे वहाँ पहुँचा। तो अगर मैं नहीं जाता तो वो अवॉइड हो सकता था। दूसरी मेरी गलती ये थी कि मैंने जब चिराग भाई की गाड़ी टोचन करके हम बाहर हाईवे पर आ गए थे, तो वहीं से हमारे को अपने अपने घर निकल जाना चाहिए था, वो भी हमने नहीं किया। वहां से हम वापस उनकी गाड़ी को टोचन कराने के बाद, भेजने के बाद, और हम ड्यून्स की तरफ वापस चले गए, ये दूसरी गलती थी। वहीं से घर निकल जाते तो भी शायद ही अवॉइड हो सकता था। फिर तीसरी गलती ये थी कि वहाँ से ड्यून से वापस आने के बाद चिराग भाई मेरी जिप्सी ले गए और मैंने डॉक्टर साहब की गाड़ी चलाई, तो मैं चिराग भाई को अगर नहीं देता जिप्सी और मैं अपनी गाड़ी खुद लेकर आता तो भी अवॉइड हो सकता था। चौथी गलती ये थी कि मुझे शायद डॉक्टर साहब की गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए थी, बट किसी रीज़न से मैं चला रहा था खैर, लेकिन मेरे 25 साल के ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, 25 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, आज तक ऐसा हादसा, ऐसा एक्सीडेंट कभी भी नहीं हुआ, मतलब कभी गाड़ी टच भी नहीं हुई इतनी बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार हो गया। तो रात को भी नींद खुली तो उसमें मेरे को दिमाग में वही घूम रहा था कि ये सब कैसे हुआ। अच्छी बात ये रही कि सिर्फ गाड़ी को डैमेज हुआ और हम में से किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि हम जो नाहरगढ़ की तरफ उस टाइम जाने का हमारा डिसीज़न था वो इतना गलत था, रात को अंधेरे में जब बारिश हो रही है, और स्पीड तो थी तो कुछ भी हादसा हो सकता था अगर गाड़ी दूसरी तरफ जाती तो। ये तो जिस तरफ एक सपोर्ट थी उस साइड गाड़ी गई तो सिर्फ गाड़ी में ही डैमेज होके रह गया, हमें किसी को भी नहीं लगी और बाहर भी किसी को नहीं लगी। लेकिन अगर किस्मत और ख़राब होती तो हम दूसरी तरफ अगर गाड़ी उतरती तो पहाड़ से नीचे गिर सकती थी, कुछ भी पड़ा हो सकता था। भाई ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग अगर इसको सीरियसली लेकर और कुछ डिसीजंस को सोच समझ के लिया जाए और चीज़ों को अवॉइड कर सको तो चीज़ें बच सकती हैं, हाथ से टल सकते हैं। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं भाई। इस ये जो लास्ट वाला पार्ट है, ये अगर किसी को लेक्चर लग रहा हो तो उसके लिए रियली सॉरी, बट मुझे जो फील हो रहा था वो मैंने व्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर किया है।